और पठान और पुजारी लगे ये बात है। और बाग में रानी कोई पुजारी लगे, बाग में रानी कोई पुजारी लगे, बाग में रानी कोई पुजारी लगे। अरे चौदह सौ चले ले रहा, चौदह सौ चले रहा लगे, बाग में रानी कोई पुजारी लगे, बाग में रानी कोई अरे पुजारी लगे। पहली बात के माध्यम से चमत्कार की प्रशंसा करने लगी, कहने लगी रानी क्या। जैसे ही उस साधु ने बाग के अंदर पैर रखा तो पहला चमत्कार हुआ, और क्या हुआ कैसे बताना। एकदम बड़ा बाग के अंदर सारे रुख हरे हो गए, पानी नहीं चमकता था वो जल से भरे कुएं हो गए, पानी नहीं चमकता था वो जल से भरे कुएं हो गए। और एकदम बड़ा बाग के अंदर सारे रूप हरे हो गए, पानी नहीं चमकता था वो जल के भरे कुएं हो गए, पानी नहीं चमकता था वो जल से भरे कुएं हो गए। उस साधु का तो रूप भी निराला है, गले में कोई सर्प पड़े हैं और जनेऊ ले रखा है, मृग छाला बिछी हुई है, अजब निराला भेष है, किस तरह से दूसरी बात में कैसे बताएं। और नाग जनेऊ पड़ा गले में रुद्राक्ष की है माला, नाग जने उपड़ा गले में रुद्राक्ष की है माला, और ये तीतलक जटा लटक रही नीचे।
नीचे बिछी मिरग छाला एडी तलक जटा लटक रे नीचे बिछी मिरग छाला बोली नाग जने पड़ा गले में रुद्राक्ष की है माला एडी तलक जटा लटक रही नीचे बिछी मिरग छाला एडी तलक जटा लटक रही नीचे बिछी मिरग छाला अरे ओम का जाप कर साधु और वाणी और बोली तो ऐसे समझो जैसे कोयल बोल रही है और किस तरह से तीसरी बात मैं कैसे बता ऐसे भैया और इस सूरज से भी तेज रूप और कोयल से मीठी वाणी भोजन लेके चलो बाग में गोरख है वो ब्रह्म ज्ञानी भोजन लेके चलो बाग में गोरख है वो ब्रह्म ज्ञानी हाय सूरज से भी तेज रूप और कोयल से मीठी वाणी भोजन लेके चलो बाग में गोरख है वो ब्रह्म ज्ञानी भोजन लेके चलो बाग में गोरख है वो और सारी समझ लिए रानी सारी समझ लिए रानी चारी लगे बाग में रानी कोई और पुजारी लगे बाग में रानी कोई पुजारी लगे और चौदह सोच ले ले सच्चे सतगुरु पर साथी लाल घर के बीच में वास करे सच्चे सतगुरु पर साथी लाल और न्यारी न्यारी लगी समाधि कोई गहर कोई लाल स्वर्ग बीच में वास करे
सच्चे सतगुर प्रसादी लाल गुर के बीच ते वास करे सच्चे सतगुर प्रसादी लाल मांगे राम तेरी चाल गजब की मांगे राम तेरी चाल गजब की नारी लगे बाग में रानी कोई और पुजारी लगे बाग में रानी कोई पुजारी लगे जीना ना लगे लगे